इस समय मैं बड़ी खास जगह पर आया हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर जब सर्दियाँ आती हैं तो लोग इंतज़ार करते हैं कि कब सर्दियाँ आएंगी और अमृतसर का जे जायका वो चखेंगे। मैं इस समय अमृतसर के गुरु बाज़ार में हूँ, चरस्ती अटारी में हूँ और आया हूँ जी मनोहर स्वीट शॉप पर, और ये फेमस है जी अमृतसरी खजूर के लिए। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर। तो जनाब ये आप देख सकते हैं, ये बन रही है जी खजूर। और आपका नाम भैया बता? मेरा विजय कुमार सर। विजय कुमार बड़े भाई हैं और ये छोटे भाई हैं? अरुण कुमार। अरुण कुमार जी, और ये आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ दो भट्टी चल रही हैं और सांचे में अमृतसरी खजूर बन रही है जी। भैया पहले तो थोड़ी खजूर के बारे में मेरे को बताओ। खजूर की सर यही खास गल है सर, तुसी और जितों मर्जी ट्राई कर लो सर, खजूर और चवाजेगी गोली, वो बिच रख दे कोली, कोली वगैरह रख के और रखे पेड़ा, ऐसे कोई सर कोली नहीं गई कोई पेड़ा। आ देखो बिल्कुल ओपन है सर, बिल्कुल ओपन होएगी सर, कोई कोली काली कुछ नहीं गई। एरी तीन चार महीने की गंटिया खराब ही नहीं होएगी जी सर। और ये होती क्या है, किससे बनती है जी? सर मैदे दी। और क्या क्या आता है इसमें? ऐसे मैदा पैंदा है, बूरा खंड पैंदी है, घ्यो का मून पैंदा है, गर्म पानी थोड़ा नॉर्मल रख के और जी फिर सर इनू मल के चंगी तरह इनू पहला मैदे नू मलाई करके फिर गुन्ना पैंदा सर। क्या बात है। और ये देखिए ये सांचा है जिसमें वो तैयार की जाती है, एकदम से डीप फ्राई में बोल सकता हूँ किया जाता है घी के अंदर। और ये डालदा के और रेंदा है ना, वनस्पति घी है। और दुकान के बारे में बताइए, कितनी पुरानी दुकान है जी? दुकान सर 70 साल तो प्लस ही हो गए। 70 साल हो गए। पहला मेरे पापा उन्होंने तो उन्होंने उस्ताद जी जे रखा राम जी गए सी, उन्होंने तो बाद मेरे पापा जी फिर असी मकिया काम उस ही रखे जिदा भट्ठिया चलता आ रहा शुरू तो जी। कोई असी गैस का यूज नहीं किया, जी उचाइए गाहक न 10 मिनट खजूर तैयार करके दे दिए, पर वो चीज़ नहीं बननी, 1 किलो न 20-25 मिनट तक लगने लगने हैं सर। क्या बात है। हाँ जी, और ये चेक कर सकते हैं आप, जो भट्टी है वो है कोयले है, कोयले के ऊपर ये बनाई जाती है और पहले दिन से ऐसा ही ये चलता आ रहा है। एकदम से सिंपल सा सेटअप है, दो भाई हैं इसको अभी चला रहे हैं। और ये उन स्वादों में से, अगर मैं अमृतसर या पंजाब के विंटर स्पेशल स्वीट की बात करूं, ये वो स्वाद है जो शायद ही आपको भारत के किसी दूसरे शहर में मिलेगा, ख़ास तौर से ये अमृतसर में सिर्फ मिलता है। अरे वाह। और इसमें ये बार बार तेल डालना पड़ता है जी? ये एक और सर बराबर करना पैंदा इनू, बाकी कढ़ाई चुके ता थले रख दी है, ज़्यादा लाल नहीं चाहिए, रंग इहदा बिल्कुल बराबर ते पकाई बिल्कुल बराबर चाहिए सर जी। हाँ जी, क्या बात है। तो विजय कुमार जी ये रेडी है जी? बिल्कुल ओके। क्या बात है, देखो सर तुम चूरा लगता होना है। हाँ ये लग रहा है जैसे मतलब चूरा पूरा चूरा होएगा ही नहीं सर। अच्छा, पीस पीस होंगे पूरे, लग तो नहीं रहा भैया। यदि खास गल यही है ना सर। हाँ, अरे वाह, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब बहुत टाइम लेती है ये वाली चीज। आस्ते से, आराम से, प्यार से, दुलार से गाग जिन्नी मर्जी काली कर ले, असी काली नहीं करनी सर। हाँ, भावे जिन्ने किलो लेनी उन्हें अद्धा घंटा लगना लगना ना। हाँ, भावे 5 किलो लवो जिन्नी मर्जी लवो। हाँ, सौदा ही अपने मतलब का तैयार करके देना गाग। अरे वाह जनाब, जो सबसे प्यारी चीज इस दुकान पर लग रही है ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पुराने समय में पहुंच चुके हैं। बैठने का स्टाइल पहले समय में भी ऐसा ही था जैसे आप बना रहे हो? बिल्कुल सर, पिताजी भी ऐसे ही बैठते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आराम रहता है वैसे लंबे समय के लिए, डिफिकल्ट भी रहता है ऐसे? ज्यादा, बहुत ज्यादा सर, नहीं बैठ सकते? नहीं बैठ सकते, कोले की गैस ही नहीं है ज्यादा, जितनी सिर पीड़ हो जाती है। हाँ, पर चलो फिर भी महाराज की कृपा ना, शुक्र है फिट बिल्कुल। क्या बात है, चलते जा रहे हैं। और ये देखिए ये जा रहा है जी, एकदम से रेडी हो चुका है। अरे वाह। और ये दोबारा से डाला जा रहा है जी ऊपर से घी। तो बनाने की एक बड़ा तरीका है, सलीका है, उसी के साथ ही ये बनाई जाती है। शायद यही कारण है कि जो खजूर है आपको बहुत कम प्लेसेस पर मिलेगी। एक टेक्निक है जो यूज़ की जाती है और ये टेक्निक समय के साथ आती है। तो भाई साहब ये बनती कैसे है, मेरे को सारा प्रोसीजर बताएं, किस क्या क्या इसमें डाला जाता है ये बताएं। सर मैदा, बूरा खंड, इसमें घी का मून और गर्म पानी की करके पहले इसको गूंथते समय अच्छी तरह से मलाई करना पड़ता है बिल्कुल प्रॉपर। हाँ, बिल्कुल इसको 1.5 घंटा लगता है सिर्फ 4 किलो मैदा मलने को। जी जी, तो बिल्कुल बराबर मलाई करके फिर पानी डाल के फिर इसको मिक्स किया जाता है। अरे वाह, क्या बात। अब ये देख लिए सर, इसका बनाने का तरीका ये है। अरे वाह, ये जो फट्टी है पता नहीं सर, मैं तो जमया भी नहीं होना उदो का। हाँ, उदो की फट्टी है सर, सिर्फ हो सकता कि एदा ही फट्टी का कमाल हो।
ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੇਕ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਮਿੱਠੇ ਸੇਕ 'ਚ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਅਰੇ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ। ਅਬ ਇਸਕੋ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਰ ਬਣਤੇ ਹੋਏ? ਇਹਨੂੰ ਸਰ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ। तो जनाब, सारा जो खेल है वो तापमान का रहता है कि किस तापमान के ऊपर बनाया जा रहा है, कब उसको उठाना है, कब उसको नीचे रखना है, तो भैया टेक्निक वाली ये चीज़ है। खैर, आपका काम है, आप बढ़िया कर रहे हो, हमारा काम है खाना। जनाब लाइए, भूख लग गई है। लो सर, लो। इतनी बढ़िया चीज़ आप बना रहे हो तो दिल कर रहा है। बिल्कुल तैयार हो गई है, देखने चूरा लग रहा है सर, ये तो हम यही पीस पीस करके दिखा देंगे सारे। अरे वाह, सच में देखने में लग रहा है कि जैसे ये पंजाबी में कहते हैं चूरा मूरा हो चुका है। चूरा मूरा सर। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है जी भैया, ये तरतीब है, टेक्निक है जो इन्हीं के पास है, और ये रेडी है जी खाने। बिल्कुल ओके सर। क्या बात है जनाब, लाइए थोड़ी सी, हमें भी खिलाइए। अभी काफी गर्म होगी खाना। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या बात, बिल्कुल खस्ता तो बिल्कुल, ऐसे कोई कच्चा मैदा नहीं। हाँ। कोई गोली तक नहीं होगी मैदे दी। अच्छे, तो ये चेक कीजिए जी, ये आ चुकी है जी अमृतसर की खजूर। इसमें मैदा है, इसमें हल्की सी सूजी है, इसमें घी है, और तेल में तलाई की जाती है। अभी थोड़ी ठंडी हो चुकी है, टाइम लगता है थोड़ा ठंडा होने में, और ये क्रंच इसका चेक कीजिए। अरे क्या बात है, ये टिपिकली स्वाद है ना, आप कहीं से भी खाएंगे ये वाला स्वाद आपको नहीं मिलेगा। इसमें जो क्रंच है, जो आवाज़ आ रही है, और मीठा एकदम से सही है। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ, अमृतसर में ना आपको देसी घी की बहुत जगह से मिल जाएगी जो खजूर है। हालांकि ये डालडा घी में, वनस्पति में बनाई जाती है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना दोनों के टेस्ट का, तो शर्त लगा लीजिए इसका स्वाद आपको उससे बेटर लगेगा। तो ये वो जायका है जो अमृतसर में ख़ास तौर से विंटर स्पेशल माना जाता है। आप ये खा लें, वो खा लें, लेकिन यकीन मानिएगा, सर्दियों में अगर आप अमृतसर में आए हैं तो इस खजूर को खाना मत भूलिएगा। तो चलिए, मैं इसे ख़त्म करता हूँ, आपसे मिलता हूँ एक ऐसे ही विंटर स्पेशल जायके से। चलिए चलते हैं। पाजी मज़ा आ गया, बहुत सही है, अमेजिंग। गुरु बाजार चौरस्ती अटारी, फ़ोन नंबर भी बोल दो। 95014-0842 सामने नंबर दोनों, ये इनका लिखा हुआ है जी। आपको कोरियर मंगवाना है तो आप भाई साहब से मंगवा सकते हो, बीच में हमारी भी कमीशन रहती है 30%। मजाक कर रहा हूँ जनाब, ये मैं, हमारे भाई हैं, और खुशी होती है कि ऐसे ही ये काम करते रहे। चलिए ख़त्म करते हैं।